दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली हमारे BTS के मेंबर जंगकुक इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आए थे। और यही नहीं बल्कि उन्होंने आर्मी से स्टोरीज में काफ़ी सारी बातें करी। दोस्तों, उसके कुछ ही देर बाद वी भी ऑनलाइन आए थे, लेकिन वो वीवर्स पर ऑनलाइन आए थे और उन्होंने बहुत ही सारे आर्मीज को जंगकुक की तरह ही रिप्लाई करा। हालांकि दोस्तों, दोनों के ही रिप्लाईज में आर्मीज ने एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखा और वो ये था कि दोनों का ही रिएक्ट करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अलग था। दोस्तों, दोनों से ही आर्मीज ने फ्लर्ट किया और दो अलग जगहों पे किया, लेकिन दोनों ही मेंबर्स का रिप्लाई बिल्कुल ही उल्टा था। तो दोस्तों, जानने के लिए कि वी और जंगकुक ने आर्मीज के फ्लर्ट पे कैसा रिप्लाई किया है, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि BTS की सारी अमेजिंग वीडियोस आप ही के पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, जब भी BTS के मेंबर ऑनलाइन आते हैं तो आर्मीज के लिए काफ़ी मेमोरेबल डे साबित होता है। और उसी तरह इस बार पहली बार जंगकुक इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आए थे और उन्होंने काफ़ी सारी आर्मीज को रिप्लाई भी करा। हालांकि दोस्तों, देखने वाली बात ये थी कि इस बार जब आर्मीज ने उनके साथ फ्लर्ट करा तो उन्होंने किसी को भी मना नहीं करा, बल्कि वो आर्मीज के साथ उनके साथ ही फ्लर्ट कर रहे थे। और जब आर्मीज ने उनसे पूछा कि क्या वो रामेन खाना चाहते हैं, यानी के ड्रामा के स्टाइल में उनसे फ्लर्ट करा, तो जंगकुक ने भी उन्हें वैसा ही रिप्लाई दिया। इसके साथ साथ जब एक आर्मी उनसे आई लव यू बोलना चाह रही थी और आई लाइक यू बोल बैठी, तो जंगकुक ने उनसे बोला कि तुम आई लव यू बोल सकते हो। और इसी तरह काफ़ी सारी पिकअप लाइंस थी, जैसे कि एक आर्मी ने बोला कि क्या आपके पैरों में दर्द हो रहा है क्योंकि आप मेरे दिमाग में सुबह से घूम रहे हो, तो उसमें जंगकुक ने रिप्लाई देते हुए कहा कि तभी मैं सोचूं कि मेरे पैर में आखिर दर्द क्यों हो रहा था। तो दोस्तों, इस तरह से जंगकुक ने सभी आर्मीज के साथ काफ़ी फ्लर्ट किया, लेकिन वी के साथ केस थोड़ा अलग था। तो दोस्तों, जब वी वीवर्स पर ऑनलाइन आए तो आर्मीज ने सोचा कि वी से भी थोड़ा सा फ्लर्ट किया जाए और रोमांटिक होना चाहा। तो दोस्तों, एक आर्मी ने वी को मैसेज लिखा कि क्या आपको दर्द हो रहा है क्योंकि आप अभी अभी हेवन से नीचे गिरे हो। हालांकि दोस्तों, जैसा कि आर्मीज ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि वी का आंसर बहुत ही ज़्यादा अलग था। तो दोस्तों, वी ने कोई भी चीज़ी रिप्लाई नहीं दिया या फिर कोई भी फ्लर्टी रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आर्मीज को बोला वो काम डाउन, यानी अरे अरे आराम से ज़रा काम डाउन हो जाओ, ऐसी फ्लर्ट लाइंस मुझ पर मत भेजो। तो दोस्तों, वी के इस रिप्लाई के बाद आर्मीज ने नोटिस करा कि जंगकुक और वी में कितना बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जहाँ जंगकुक थे जो आर्मीज के साथ हैप्पीली ऐसे मजाक में फ्लर्ट कर रहे थे, वहाँ पे वी तो बिल्कुल ही सीरियस हो गए और उन्होंने आर्मीज को बोल दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारी लिमिट बस मेरे फ्रेंड्स तक ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हालांकि फिर भी वी ने आर्मीज के साथ काफ़ी सारी बातें करी और वो मजाक तो करते ही रहते हैं, साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी सारे अपडेट्स भी दिए। लेकिन हाँ, आर्मीज के साथ रोमांटिक वो कभी कभी किसी दिन होते हैं जो बहुत ही मेमोरेबल होता है, वरना बाकी सारे दिन वो आर्मीज को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के खुश हैं। लेकिन अब हमारे जंगकुक ने सोच लिया है कि फ्लर्ट करना है तो सिर्फ आर्मीज से ही करना है। तो दोस्तों, अगर आपने वी और जंगकुक का ये डिफरेंस नोटिस कर लिया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। इसके साथ साथ जाने से पहले हमारे न्यू चैनल यानी ग्लोबल केपॉप को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।